नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी व्रत रखती है, लेकिन उसमें ही मलिष्का एक ऐसा काम करती है कि किसी भी तरीका से ये व्रत पूरा ना हो पाए ऋषि और लक्ष्मी का, क्योंकि मलिष्का की मोम ने बोला था मलिष्का से कि कुछ भी हो जाए लेकिन इन दोनों का व्रत कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ मलिष्का के ऊपर है कि मलिष्का किस तरीका से अब इस व्रत को तोड़वाने की लाख कोशिश करती है, क्योंकि मलिष्का की बात की जाए तो मलिष्का अपना पूरा काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर ही ऋषि बोलते हुए नजर आएंगे कि लक्ष्मी मेरे होते हुए तुम्हें कोई किसी भी तरीका की चोट नहीं दे सकता, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वाकई में दोस्तों बात भी सही है कि लक्ष्मी के होते हुए और ऋषि के होते हुए इस घर में किसी बुरे का साया नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि बुराई की अगर बात की जाए तो बुराई के लिए इस समय खुद लक्ष्मी ने यह बोल दिया है कि मेरे होते हुए इस परिवार के और लक्ष्मी और के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लाख कोशिश कर रही हैं इस वक्त और बहुत ही सूझबूझ के साथ में कोशिश करती हुई नजर आ रही है मलिष्का, क्योंकि मलिष्का किसी भी तरीका से अपनी मॉम किरण के कहने पर, जो कि व्रत तोड़वाने के लिए भी राजी हो चुकी हैं कि कुछ भी करें, लेकिन वो व्रत तोड़वाने की प्लानिंग कर रही है कि किसी भी तरीका से व्रत टूट जाए लक्ष्मी का। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दादी माँ ने पहले ही अलर्ट कर दिया था मलिष्का को कि मलिष्का अगर तुम लक्ष्मी के किसी भी तरीका से लक्ष्मी के खिलाफ गई तो मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि जिसके बारे में तुम जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों वाकई में जिस वक्त आप लोगों ने देख लिया होगा कि लक्ष्मी के खिलाफ जो साजिश रच रही थी, ये साजिश ज़्यादा समय कामयाब नहीं होने वाली। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि भाग्य लक्ष्मी के अगर आप वाकई में ट्रू फैन हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज, लव यू ऑल ऑफ यू।